बच्चा पार्टी अ वेरी 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 एनर्जेटिक गुड मॉर्निंग टू एवरी वन। सो बहुत ठंडा मौसम है, सो आई थॉट थानू थोड़ी जी अच्छी अपना इन्फॉर्मेशन, थोड़ी जी अच्छी एक न्यूज़ ही दे दिए। सो बहुत बच्चों दी हजे भी इनक्वायरीज आ रही ने, मैम रिजल्ट कदों आएगा, रिजल्ट कदों आएगा। सो रजे जिदा अपनी ऑलरेडी गल हुई सी कि 15 दिनों के इन्हों ने सारा कुछ खत्म कर देना, लाइक यू नो आंसर की एंड रिजल्ट एंड एवरीथिंग। सो थानू पता ही है कि 11 तरीक न पेपर होया सी और 2 दिन बाद आंसर की आ गई, ठीक है। हुण तुहाडा रिजल्ट जिहड़ा हैगा 20 तरीक तक तो डेफिनेटली आ जाना, 20 तो पहला भी आने के पूरे पूरे चांस ने। लाइक ये हो सकता, देखो अज तक तो रिजल्ट नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता, बिकॉज अज के दिन तो इन्होंने 5 बजे तक का समा दिता हो कि जेडे बच्चों को कोई भी डाउट है वो अज के 5 बजे तक जी वैबसाइट इन्होंने दिती हुई है, कि वैबसाइट है, दैट इज़ meritorious.punjab@punjabeducation.government.in। अगर किसी बच्चे लग रहा है कि ए वाली आंसर की दे उन्होंने क्वेश्चन गलत मार्क किया होया है तो रजे प्लीज़ तुम इस जी ईमेल आई डी ये तुसी जाके अपनी इनक्वायरी रख सकते हो, ठीक है, कि सर या मैम या रिस्पेक्टेड जो भी तुसी लिखना चाहते हो कि ए वाली सैट दे विच ए वाले क्वेश्चन नंबर का जो आंसर है मैनू लगता क्या है, लेकिन तुहानू प्रूफ देना पड़ेगा। लेकिन ऑलमोस्ट जिथे तक मेरी समझ है सारे आंसर ऑलमोस्ट सही ने। बिच बच्चों ने की किया, 11th वालों ने 9th क्लास की आंसर की मैच की पई है। सो अगर तुसी इदां रजे मतलब गलत मैच कर लोगे फिर तो कोई सेंस बनती नहीं है कि तुसी है ना अच्छे मार्क्स लेके आ पाओगे। सो अद्धे बच्चे ने तो यही गलती की है। चलो ये अपना टॉपिक नहीं है, आई होप तुसी मार्क्स वगैरह अपने देख ले होंगे। और अगर हुण गल कर देंगे रजे तुहाडी एक बारी कट ऑफ दी, मैंने अपने चैनल के उपर एक कम्यूनिटी पोस्ट पाई सी जिदे विच मैंने बच्चों के ग्रुप डिवाइड करके उन्होंने तो यह पूछा कि तुहाडे किन्ने नंबर बन रहे ने, तो सब तो ज़्यादा जिहड़े नंबर ने वो 80 to 90% बच्चों के, मतलब 80 to 90% के विचकार जिहड़े बच्चे ने सब तो ज़्यादा उन्होंने नंबर ले ने, यानी 30% बच्चों के जिहड़े नंबर ने 80 to 90% के विचकार लाई कर रहे हैं, ठीक है। उस तो बाद सैकेंड नंबर पर जो ग्रुप आता है वह 70 to 80% के विचकार बच्चों के नंबर आ रहे हैं। इनू रजे आप कहने बेसिकली देखो जिमें जो कि कोई मेला वगैरह होंगे उदो आप मतलब कला बंदा थोड़ी कहना कि उत्थे इन्ना कट से 1000 बंदा से या 2000 बंदा से, आप लगभग आंसर दसते होंगे कि भाई उत्थे लगभग 100 बंदे का कट से या 1000 क बंदे का कट से। सो इनू आप कहने कि छोटे डाटा के बेस से आप कोई वड्डी जी कंकलूजन कट के दे दें, कोई वड्डा सिट्टा कट के दे दें। सो सेम मैं तुहानू इहदा कंकलूजन कट के दे रही हाँ, मेरे को नियर अबाउट कम्यूनिटी पोस्ट के उपर 400 वोट्स आईया सी और 400 वोट्स के जिहड़ा भी मैंने एनालाइज़ किया उहदे च मैनू इन्ना तो पता है कि जिहड़े 60 नंबर वाले बच्चे ने यह तो बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाए, ठीक है। जिहड़े 60 नंबर तक जिहड़े मतलब 60 मार्क्स जिहड़े बच्चों के आए हैं और इस तो वध वाले तो बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाए, उन्होंने तो चक्कर ही नहीं है, कोई टेंशन लैन वाली गल ही नहीं है। सो मतलब तुसी तो बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ, लेकिन जिहड़े 50 वाले ने वह भी ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, मतलब आशावादी रहेंगे, तुहानू एक होप जरूर होएगी। मैनू भी बिल्कुल होप है कि 50 वाले भी जा सकते हैं, क्योंकि रजे पहली गल तो बहुत बच्चे ने जिन्हें 50 मार्क्स ही नहीं आने। नंबर सैकेंड यह गल है कि मतलब बहुत बच्चे जाते ही नहीं है मेरिटोरियस स्कूल और फिर जिहड़े जाते हैं वो भी वापस आ जाते हैं। सो हौली हौली करके मतलब काफ़ी सीटा खाली हो जाए ने। सो दैट मीन जे 50 वाले बच्चे ने उम्मीद नहीं छड़नगे, एक हों उम्मीद रखनी, एक हों जमी डिपेंडेंट हो जाना, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी ये आस नहीं रखनी कि तुम चले ही जाओगे। यदा मतलब की है कि तुम अपना प्लान बी पूरा पूरा रेडी रखना। हम तुम कहोगे मैम व्हाट डू यू मीन बाय प्लान बी, सो रजे प्लान भी ये है कि बाई चांस तुहानू मेरिटोरियस स्कूल वालों इन्फॉर्मेशन नहीं आती या कोई वो नहीं बुलाते हैं बच्चे तो तुसी ने डीमोटिवेट नहीं होना, जेडे भी तुहाडे नॉर्मल स्कूल ने तुसी ओही कंटिन्यू करोगे। देखो हरेक बच्चे का पढ़न पर डिपेंड करता है, ठीक है, चाहे कोई बच्चा मेरिटोरियस स्कूल चल जाए ना ही नॉर्मल स्कूल चल जाए, फैसिलिटीज़ अलग हो सकदियां ने, टीचर्स अलग हो सकते हैं, लेकिन तुसी अपनी मेहनत नाल ही पढ़ना है, ठीक है। ये नहीं हैगा कि मेरिटोरियस स्कूलों से तुहानू कुछ घोल के पिलाया जाता है या उत्थे कुछ अलग लैवल का है, नहीं इदां दा कुछ भी नहीं है। सो जेडे बच्चे बाई चांस नहीं जा पाएंगे वो उन्होंने डीमोटिवेट नहीं होना, तुम अपनी नॉर्मल जे स्कूल ने रेगुलर स्कूल अपनी जी जिथे भी हम पढ़ रहे हो कंटिन्यू करोगे, ठीक है। लेकिन एक उम्मीद, क्योंकि उम्मीद तो दुनिया कायम है ना, सो दैट्स वाई एक होप रखियो। चलो ये तो होगी काउंसलिंग की गल। रिजल्ट मैं ऑलरेडी दसता कि अज तक नहीं आ सकता, मोस्ट प्रोबेबली परसों तक तुहाडा रिजल्ट आ जाएगा, अदरवाइज 20 तरीक तो पहला तो आ ही जाएगा। तो हमें इदा लग रहा कि सारा प्रोसैस लेट चल रहा, लेकिन अजे कुछ भी लेट नहीं चल रहा। अगर तुम मेरिटोरियस स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू तो देखोगे तो यह प्रोसैस हमेशा इस तरीके ही चलते हैं, एंड डोंट वरी, तुहाडा सिलेबस पहले चैप्टर तो ही चक्या जाएगा, पूरे कॉन्सैप्ट तो ही चक्या जाएगा। ये नहीं हैगा कि यूनिट 2 करा देंगे, मतलब जेडे बच्चों ये टेंशन है कि मैम असी तो गए नहीं है जी स्कूल कितने, मतलब वो ना कर दें, इदा का कुछ भी नहीं होएगा, तो सारा जो सिलेबस है बेसिक तो चक्या जाएगा। हुण थोड़े जिहे मैं तुहानू डॉक्यूमेंट्स दसदा रहा जी। सो रिजल्ट हो गया, काउंसलिंग की गल मैं दसा तुहानू, तो जी थोड़ी काउंसलिंग है जिदे थोड़ा रिजल्ट आया उस तो 2 दिन के ही थोड़ी पूरी काउंसलिंग की लिस्ट पै जानी है, वो चैनल पर जुड़े रहो, तो प्रॉपर अपडेट मिलती रहेगी। उस तो बाद मैं डॉक्यूमेंट्स इतने क्यों गए ने, क्योंकि रजे कई डॉक्यूमेंट्स पता की होंगे ने, क्योंकि इतने सिर्फ तुहाडे डॉक्यूमेंट्स ही नहीं मंगते, तुहाडे पेरेंट्स के भी डॉक्यूमेंट्स होंगे ने, है ना, जिवें तुहाडे पापा का आधार कार्ड हो गया,
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਮੀ ਦਾ ਵੀ ਸੇਮ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ 10th ਦਾ ਜਿਹੜਾ DMC ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੈਕਟਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਮੋਹਰ ਲਗਵਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਅਪਡੇਟ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ SC ਕੈਟੇਗਰੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਰਾਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆ ਉਹ ਬਣਵਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਨ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ SC ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ SC ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾ ਲੈਣ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਂਕ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਵੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਿਸਟ ਆ ਜਾਏਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਂਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਰਜੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਪਕਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨੇਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨੇਮ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੇਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੇਮ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪਰਮਜੀਤ ਲਿਖਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ PARAMJIT ਆਈ ਟੀ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ PARAMJEE ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਸਪੈਲਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਪੈਲਿੰਗ ਸੇਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਵਗੈਰਾ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੋਰਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਬ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਓਵਰਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ? 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੂਨ ਦੇ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਅੱਧੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਬਣਵਾ ਲਓ ਔਰ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਕੁਛ ਗੁੰਮ ਵਗੈਰਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਰੇਂਜ ਰੱਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰੇਕ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੋ ਆਈ ਥੋਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦਈਏ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਬੱਚਾ ਪਾਰਟੀ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦੱਸਣੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਿਸਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਸੋ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ। ਔਰ 50 ਵਾਲੇ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਫੀਲਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਵਾਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਪਲਾਨ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਔਰ ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਮਾਈ ਬੱਚਾ ਪਾਰਟੀ।